हेलो स्टूडेंट्स, मस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म सत्यम। हियर आई एम नीरज सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स ऑफ क्लास 9, जिसमें पढ़ने वाले हैं ड्यूरेशन के बारे में। ये हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम ड्यूरेशन के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस और उसके बेसिक कंसेप्ट समझ लिए थे। आज हम थोड़ा से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। हम खत्म किए थे जो अपनी जो अपना क्लास हम बताए थे हम कि जो न्यूटन साहब थे वो बताए थे कि एवरी हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे इस यूनिवर्स में हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्स क्या करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर में एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं। एंड दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। वही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन साहब के अनुसार एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। प्रत्येक जो वस्तु है वह किसी अन्य वस्तु को एक निश्चित बल के साथ अपने तरफ आकर्षित करती है। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स व्हिच हियर व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वह बल, वह फोर्स जो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वह बल क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। आगे बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल, यदि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका मास यानी जो उसका वेट होगा वो कम होगा, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। तो वहां पे उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। इसके ठीक रेसिप्रोकल अगर हम चलें, यहां पे क्या था? ऑब्जेक्ट स्मॉल था, तो फोर्स कैसा अप्लाई हो रहा है? स्मॉल अप्लाई हो रहा है। लेकिन जैसे इफ हाउ योर वर्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी बिग, यदि वह ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तब क्या होगा? देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स वेरी लार्ज। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा क्या होगा? वो बड़ा होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? स्मॉल होगा। अगर ऑब्जेक्ट लार्ज होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? लार्ज होगा। ये आप पीछे अपने वीडियो में देख चुके हैं और उसको अपने नोटबुक में क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी जो हमारा ग्रेविटी है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी यानी जो हमारा गुरुत्व बल है, इस गुरुत्व बल का क्या असर पड़ता है, तो उसके कुछ निम्नलिखित इफेक्ट हैं, उससे कुछ निम्नलिखित असर है जो हमारे प्लैनेट, हमारे बॉडी पर जिस पर पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोल रहा है होल्डिंग द एटमॉस्फेयर टू वॉक द अर्थ। आपको शायद विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ डाउन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट हमारा क्या होगा कि होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर जो एक मंडल है, एक लेयर है, किसका? तो एयर का। द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा एयर वायु का जो परत है क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहलाता है। तो वही बोल रहा है होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। तो हमारे अर्थ के ऊपर इस एटमॉस्फेयर को कौन होल्ड किया हुआ है, किसके कारण यह जो एटमॉस्फेयर है? आप जानते हैं कि अर्थ है डिफरेंट लेयर्स, जस्ट लाइक लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। दूसरे तरीके से देखें हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोस्फीयर के साथ के बाद में बायोस्फीयर भी होता है। तो जो हमारा लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल किस लेयर में? तो हमारा बायोस्फीयर में। क्यों वहाँ पे हमारा लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए क्या मिलता है? एयर मिलता है जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए हम वहाँ पे अपने लाइफ को सर्वाइव कर पाते हैं। तो वही एटमॉस्फेयर जो है उसको कौन होल्ड किए हुए हैं अर्थ के ऊपर? तो बोल रहा है होल्डिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसके कारण से होल्ड करता है? ग्रेविटी के कारण से इसको होल्ड करता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि फॉर द रेन, यानी जो बारिश होती है, फॉलिंग टू द अर्थ,
यानी जो बारिश बूंदे हैं अर्थ के ऊपर गिरती हैं, और किसके कारण से गिरती हैं, तो भी हमारे ग्रेविटेशन के कारण से गिरती हैं। क्या होता है, जो हमारे वाटर होता है वाटर पर टाइट होता है, देन आफ्टर वो हमारे क्लाउड को फॉर्म करता है, और वही जो क्लाउड होता है जब उसका प्रेशर रेन में जाता है, तो हाई प्रेशर के कारण वो जो क्लाउड है क्या बन जाता है, रेन बन जाता है। तो रेन बनने के बाद अर्थ के नीचे ऊपर आता है किसके कारण से, तो ग्रेविटी के कारण से। एंड जो इसका तीसरा पॉइंट है, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, इटीसी या फिर लेक्स भी बोल सकते हैं, ओशियन भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा वाटर है अर्थ की सतह पे क्या होता है, फ्लो होता है, गमन करता है एक दिशा से दूसरी दिशा में। तो किससे कहाँ से वाटर गमन करता है, किससे कहाँ से वाटर फ्लो करता है, तो डेट ऑफ द ग्रेविटी, किससे कहाँ से करता है, तो ग्रेविटी के कारण से करता है। एंड लास्ट में हमारा फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज keeps us firmly on the earth. और अर्थ जो है हम लोगों को मजबूती से अपनी तरफ जकड़ के रखा है, अपनी तरफ पकड़ के रखा है। इससे कारण से तो ग्रेविटी के कारण से। शायद हो सकता है कि आप वीडियो सुन रखा हो, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे। इसका जो PDF होगा आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। आप इसको होमवर्क के रूप में प्रिंट डाउन करोगे और इसको अपने ग्रुप में सबमिट करोगे। क्या देखा हमने, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इफेक्ट के बारे में। पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, होल्डिंग द एटमोस्फेयर अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर एटमोस्फेयर को कौन होल्ड कर रहा है, दैट इज आवर ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटी है। किसकी ग्रेविटी है, तो अर्थ की ग्रेविटी है। फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, के ऊपर जो रेन का फॉलिंग हो रहा है, जो बारिश की बूंदे गिर रही है, बारिश हो रही है, किसके कारण से हो रही है, ग्रेविटी के कारण से हो रही है। एंड अगला है, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स लेक्स जो हमारे सागर महासागर नदी है उसमें जो पानी होता है, पानी बहता है, तो पानी किसके कारण से बह रहा है, उस पानी के अंदर में, उस वाटर के अंदर फ्लो किसके कारण से आ रहा है, तो ग्रेविटी के कारण से आ रहा है। एंड लास्ट में हमारा पॉइंट था, इट ऑलवेज कीप्स अस फर्मली ऑन द अर्थ, या जब हम लोगों को ग्रेविटी जो है हम लोगों को अर्थ अपनी तरफ मजबूती से जकड़ के रखा हुआ है। तो ये आपने समझा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम इसके बाद देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशन का जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है, जिसे किसने दिया था, हमारे न्यूटन साहब ने दिया था। क्या दिया था उन्होंने लॉ, इसको हम समझेंगे कि उससे पहले हम क्या सब उसके पीक देखेंगे, कुछ हम यहाँ पे एनिमेशन देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसे क्या सोलर सिस्टम, ये हमारा क्या है सोलर सिस्टम। माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो ग्रेविटी है क्या यह अर्थ का ही नेचर है, तो नो डियर स्टूडेंट, यह ग्रेविटी हमारे अर्थ का ही नेचर नहीं है। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका सिस्टम है, किसका फैमिली है, तो सोलर सिस्टम इज अ फैमिली ऑफ सन, सन का यह पूरा सोलर सिस्टम क्या है, फैमिली है। उसमें अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। तो जब अर्थ के अंदर में, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी का नेचर है, तो क्या माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं या फिर हमारे कॉमेट्स हैं या फिर जैसे लाइट सिंह क्या, उसके अंदर भी यह नेचर पाया जाता है। तो देखिए उसको समझते हैं, यहाँ से ये हमारे क्या है, एक सन है, और यह सन आपको दिखाई दे रहा हो या पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा सन है। सन के बाद हमारा क्या है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। बाकी उसके साथ अदर कुछ पर्सनल चीजें हैं, प्लूटो हो गया या फिर इसके जो हमारे कॉमेट्स हो गए या फिर इसके सैटेलाइट्स हो गए, वो सब उसके पास हैं। तो हमारा जो अर्थ है, जो हमारा सन है, सन के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा सन है, इस सन के पास भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है।
इसी फोर्स के कारण ही जितने भी आपको प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट पे क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इसको हम और डीपली में इसको समझेंगे जब हम लोग केप्लर्स लॉ को पढ़ेंगे, उस समय पर देखेंगे। अब यहाँ सिर्फ ये समझने वाले हैं कि जो हमारा सन है, सन के पास भी क्या है, ग्रेविटेशन है, सन के पास भी ग्रेविटी का नेचर है। क्या कर रहा है यह सन? सन जो है जैसे मान लीजिए हमारी ऑब्जेक्ट है अर्थ, तो अर्थ के अर्थ को अपनी तरफ यह क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और सेम वैसे ही अर्थ के पास भी क्या है, ग्रेविटेशन है, अर्थ के पास भी ग्रेविटी का नेचर है। तो सन जो है अपना अर्थ जो है सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या माइनर क्वेश्चन आना चाहिए कि जो हमारा सन है, सन जब इसको अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अर्थ जो है सन के अंदर में शामिल होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? यह सन जो है अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में मूव कैसे करते रहता है, मूव करते रहता है। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि जो हमारा अर्थ है और जो हमारा सन है, सन इस पे क्या कर रहा है, एक फोर्स को अप्लाई कर रहा है, जो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इधर से हमारा अर्थ इस पे अप्लाई कर रहा है, जब दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को अप्लाई करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के दूसरे के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे दोनों का जो फोर्स होता है क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से यह अर्थ जो है अपने इस ऑर्बिट पे क्या करता है, मूवमेंट करना चालू करता है। सिर्फ हमारा अर्थ ही नहीं, इवन हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे वो मार्स हो गया, चाहे वो हमारा वेनस हो गया, चाहे वो हमारा मरकरी हो गया, सारे के सारे प्लैनेट्स के साथ यही कहानी है। सन इस पूरे इस प्लैनेट्स के ऊपर में फोर्स को अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, सन के ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिस कारण से इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। और बैलेंस होने के कारण क्या हो रहा है, यह एक ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में उसके पोजीशन में, उसके प्लेस में चेंजिंग होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वह मोशन में आता है, किस फोर्स के कारण, तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, आप क्लास के में पढ़े होंगे, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसके कारण जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह मूवमेंट करते हैं, बैलेंस फोर्स के कारण जो मूवमेंट नहीं होता है वह क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, जिस कारण से वह ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजिशन पर स्थिर रह जाता है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि क्या है हमारा यहाँ पे दे रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का एक यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ यानी कि सारे के पूरे यूनिवर्स में ये क्या है, ट्रू है, नॉट फॉर ओनली अर्थ, सिर्फ अर्थ के लिए ट्रू नहीं है, इवन हमारे जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी के लिए यह जो हमारा रूल है वो क्या है, ट्रू है। इस रूल को दिया किसने था, हमेशा याद रखिएगा, इस रूल को हमारे न्यूटन साहब ने दिया था, इसलिए समझा करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, यानी कि बोल रहा है गिवन बाय न्यूटन, ऑल्सो नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। यह जो लॉ है कौन सा लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज गिवन बाय न्यूटन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसे ग्रेविटी भी क्या बोल रहा है। यह जो लॉ है हमारा, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यानी मान लीजिए यह एक ऑब्जेक्ट है बी और यह एक ऑब्जेक्ट है ए, तो ये जो है इस पे फोर्स लगा रहा है और बी जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, इन दोनों के फोर्स बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, उसको हम कैलकुलेट करने चले। क्या बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट है, न्यूटन साहब का है। क्या बोल रहे हैं वो कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में प्रत्येक जो वस्तु है अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दूसरे किसी अन्य बॉडी को, वस्तु को आकर्षित करती है विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यानी वह जो हमारा फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो हमारे मासेस के ऊपर m1 into क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। m1 हो गया फर्स्ट बॉडी का मास हो गया, m2 जो हो गया क्या हो गया, सेकंड बॉडी का मास हो गया। और कुछ बोल रहा है इसमें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनके बीच की दूरी देखिए, यहां से इनके बीच की दूरी क्या है, small r,
ये स्मॉल आर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमारे फॉर्मूला बन गया, रिलेशन बन गया इसके बीच में, फोर्स के बीच में और उनके मासेस के बीच में। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड फोर्स इज कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको आप क्या करोगे अपने होमवर्क में, जैसे कि पहला चैप्टर था इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, आप इसको होमवर्क में पहले करोगे, इसके बाद आप इसको होमवर्क में करोगे। वीडियो को एक बार देखने के बाद फिर से एक बार स्टार्ट से देखिएगा और इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका अपने से नोट्स तैयार कीजिएगा, उस नोट्स को एज योर होमवर्क अपने ग्रुप में सबमिट कीजिएगा। तो फर्स्ट आपका होमवर्क रहेगा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सेकेंड आपका होमवर्क रहेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका पीडीएफ भी आपको अपने ग्रुप में सबमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो पीछे हम देखे थे क्या था, तो भैया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के बराबर है। अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं वहाँ पर, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को यूज करते हैं एंड दैट इज जो हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, कैपिटल जी। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है हमारा एम वन और दूसरा हमारा क्या है एम टू बाई, नीचे क्या है हमारा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा एक क्या ड्राइव हो गया, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल टू कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। उसी को यहाँ बोल रहा है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, दैट मींस कि आप इसको बोल सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू। दूसरा है द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो वन बाई आर स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ जो था उसे किसने दिया, तो उसे हमारे न्यूटन सर ने दिया। सो इट इज आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहा जाता है, ग्रेविटी ऑफ न्यूटन कहा जाता है। यहाँ से हमने फॉर्मूला को ड्राइव किया, क्या फोर्स इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको आप क्या करोगे अपने होमवर्क में सबमिट प्रिंट आउट करोगे, इसको अपने ग्रुप में सबमिट करोगे। अगला पॉइंट बोल रहा है हमारा यूनिवर्सल लॉ में दिस फॉर्मूला की अप्लीकेबल एनी वेयर, ये जो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो ए इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है अप्लीकेबल एनी वेयर इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में हर जगह पर जाएंगे तो हमारा वैल्यू कैसा होगा, सेम होगा। एंड इट इज मैथमेटिकली एक्सप्रेशन
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर जो हमारा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे मैथमेटिकली से क्या करते हैं, शो करते हैं। सो एसआई यूनिट ऑफ जी, जो हमारा जी है, इस जी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो हमारा बोल रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो हमारा जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो भैया जी इक्वल टू होता है 6 × 6 = 10^-11 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, जी का कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट इज दैट कांट बी चेंज इन दिस यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड के लिए क्या है, ट्रू है। तो ये भी आप क्या अंदर से क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और इसको अपने होमवर्क के रूप में सबमिट करोगे एग्जाम करने के बाद। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, ये हमारा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशन है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल को हमने क्या किया, मैथमेटिकली एक फॉर्मूला रूप में ड्राइव किया, जिसको ये नहीं किसी चीज में क्या किया गया, डिफाइन किया गया, जिसको मैंने आपको एक्साइट रूप में आपको समझाया या फिर आपको दिखाया, इसी चीज को वहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसको मैंने आपको समझा दिया, जिसको मैंने आपको कहा दिया। तो आपका आज का क्लास होगा यहीं पे ओवर होगा, और आप जो है अपना होमवर्क जो है अपने ग्रुप में सबमिट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।